जो भी माताएं हैं वो माताएं कलयुग में पूजी जाती हैं देवियों के रूप में, और सिंगल देवियों के रूप में पूजी जाती हैं। लक्ष्मी नारायण के रूप में डबल उनकी पूजा नहीं होती है। ये प्रवृत्ति मार्ग की बरखिलाफी है या प्रवृत्ति मार्ग को सहयोग है? बरखिलाफी है। रावण राज्य है निवृत्ति मार्ग, इसलिए देवियों के पुजारी बोले हैं मुरली में रावण संप्रदाय। प्रश्न आया है, योगिनी माँ की याद में जगदम्बा माँ की याद में तथा लक्ष्मी माँ की याद में क्या अंतर है? शिव बाबा उड़ गया। क्या योगिनी माँ हो, चाहे जगदम्बा माँ हो, चाहे लक्ष्मी माँ हो, तीनों के उत्थान में साथ देने वाला कौन है? तीनों का साथ ही बाप है। जब तीनों का साथ ही बाप है तो तीनों का एक ही पद होना चाहिए या ऊपर नीचे होना चाहिए? हाँ, एक ही होना चाहिए, फिर एक क्यों नहीं है? हाँ, हाँ। ये पुरुषार्थ के ऊपर सारा मदार है। लक्ष्मी लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है, जगदम्बा लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाती, और योगिनी लक्ष्य को प्राप्त करती है या नहीं करती है? है? लक्ष्य क्या है? नारी से लक्ष्मी। तो ज्ञान में आने के बाद अपने को नारी समझना है या आत्मा समझना है? अगर आत्मा समझ करके पुरुषार्थ किया है तो आत्मा पुरुष है या स्त्री है? पुरुष है। जो आत्मा समझ करके पुरुषार्थ करते हैं वो ही योगिनी अथवा योगी राज का लकब ले सकते हैं, नहीं तो योगिनी या योगी राज का लकब नहीं मिल सकता। और जो पुरुष रूप में अपने को समझते हैं, आत्मा समझते हैं, वो ही रुद्रमाला के मणके बनते हैं। और जो रुद्रमाला के मणके हैं उनमें जन्म जन्मांतर के पुरुष के संस्कार प्रबल होंगे या स्त्रीत्व के संस्कार प्रबल होंगे? पुरुष के संस्कार प्रबल होते हैं। तो पुरुष के संस्कार प्रबल होने के कारण रुद्रमाला में जो आठ मण के सबसे श्रेष्ठ गाए गए हैं उनमें योगिनी का नंबर कौन सा हुआ? दूसरा नंबर हुआ। रुद्रमाला के अंदर, विजयमाला में नहीं। और जब विजयमाला और रुद्रमाला दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो योगिनी जिसमें आत्मा की स्थिति में रहने का पुरुषार्थ ज्यादा है वो पुरुषार्थी
विजय माला के दूसरे नंबर के मणके के साथ युक्त हो जाती है। तो फर्स्ट ग्रेड युगल मणका हुआ या सेकंड ग्रेड युगल मणका हुआ, है सेकंड ग्रेड हो जाता है। इसलिए जो लक्ष्मी है वो फर्स्ट ग्रेड में आ जाती है और योगिनी सेकंड ग्रेड में चली जाती है। बाकी जो जगदम्बा है वो तो रुद्रमाला का आखिरी मणका है। आखिरी मणका होने के बावजूद भी जितना पहला मणका शिव बाबा के नजदीक है, शिव सुप्रीम सोल के नजदीक है, उतना ही लास्ट मणका भी नजदीक है। भल लेफ्टिस्ट है तो भी नजदीक है। क्यों? क्योंकि जो बाप का काम है वो बाप का काम शंकर के द्वारा संपन्न होना चाहिए। जो बाप का स्पेशल काम दुनिया में कोई धर्म पिता नहीं कर सका, कौन सा काम? विनाश का कार्य। पुरानी परंपराओं का, पुरानी कुरीतियों का, पुराने धर्मों का, पुराने राज्यों का विनाश कोई भी नहीं कर सका। वो लकब सौंपा जाता है शंकर द्वारा, विनाश गाया जाता है, लेकिन शंकर करता है क्या? शंकर तो नहीं करता। असुर संगारणी कौन गाई हुई है? शक्तियां गाई हुई है। और उन शक्तियों में महाकाली जगदम्बा का नाम असुर संहार कारिणी के रूप में बहुत प्रसिद्ध है। इसलिए शिव बाबा के नजदीक है। शिव बाबा किन बच्चों को याद करते हैं? है जो मेरी सर्विस करते हैं उनको मैं याद करता हूं, वो मेरे नजदीक आ जाते हैं। इन्होंने कारण दिया है योगिनी माँ की याद में, जगदम्बा माँ की याद में तथा लक्ष्मी माँ की याद में क्या अंतर है? क्योंकि योगिनी माँ भी एक बाप दूसरा न कोई, छोटी माँ भी एक बाप दूसरा न कोई, और जगदम्बा माँ भी एक बाप दूसरा न कोई। और कौन किसने लिखा है? जगदम्बा है तो सब धर्मों की अम्बा है या सिर्फ सूर्यवंशियों की अम्बा है? और सब धर्मों में इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन आदि सभी धर्म आ जाते हैं। नीचे से नीचे कर्म करने वाले और ऊंचे से ऊंचे कर्म करने वाले, स्वदेशी भी आ जाते हैं और विदेशी भी आ जाते हैं, जो अभिविचारी हैं वो भी आ जाते हैं और जो विविचारी धर्म है वो भी आ जाते हैं। तो विदेशियों की पैदाइश किससे होती है? जगदम्बा से होती है या भारत माता से होती है? जगदम्बा से विदेशियों की पैदाइश होती है। पैदाइश तभी होगी जबकि वो महाकाली का काला पार्ट बजाए। चेहरा कैसा दिखाते हैं? काला चेहरा दिखाते हैं। कलमुहा अच्छा माना जाता है या गोरे मुंह वाला अच्छा माना जाता है? कहते हैं ना काला मुंह कर लिया, जा काला मुंह कर जाते, मेरे से कोई मतलब नहीं। तो ऐसे नहीं कह सकते जगदम्बा के लिए
कि एक बाप दूसरा न कोई है, कह सकते हैं? अगर कोई कहता है तो उसे रियलिटी का पता नहीं है। लास्ट में आने वाली आत्मा भी क्या अष्टदेवों की विशेषता धारण कर सकती है? बोलो, कर सकती है या नहीं कर सकती है? माना अष्टदेवों के जब पद डिक्लेयर होंगे, आठों के, वो तब ही डिक्लेयर होंगे जब वो आठवां नंबर भी डिक्लेयर हो जाए, और वो लास्ट में ही आवेगा। नहीं तो बाबा का ये बोला हुआ महावाक्य व्यर्थ हो जाता है। लास्ट सो फास्ट, लास्ट में आने पर भी कोई फास्ट जा सकता है। तो जरूर जन्म जन्मांतर की प्योरिटी का वर्षा लेने वाली आत्मा होगी या इम्प्योर आत्मा होगी? प्योरिटी के आधार पर लास्ट में आती है, लक्ष्मी की तरह, और लास्ट में आने पर भी फास्ट जाती है। कोई ने प्रश्न किया है, बाबा हद में जो बंदर होते हैं वो एक बंदर दूसरे बंदर का जूं देख देख करके, खोद खोद करके खाते हैं। तो यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में इसकी शूटिंग कैसे होती है? ब्राह्मणों की दुनिया में जो रुद्रमाला है वो राम की सेना है या नहीं है? है। और जो राम की सेना है रुद्रमाला के मन की है, वो जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं या नहीं है? है। और इन राजाओं ने दूसरे राजाओं की बखिया उधेड़ी है कि नहीं उधेड़ी है? एक एक राजा ने दूसरे राजा की ग्लानी की है, माने उनके कीड़े निकाले हैं। तो बंदरों को ऐसे दिखाया गया है प्रकृति में कि बंदर क्या करते हैं, जब खाली होंगे तो क्या करेंगे, है? दूसरे बंदर के जूं खोद खोद के निकालेंगे और उनको खाएंगे। तो यहाँ जू खोद खोद के निकाल के खाते हैं या नहीं खाते हैं? हाँ खाते हैं। बाबा ने मुरली में बोला है कि रुद्रमाला के मणके में यदि सोल प्रवेश ना करे माना वो साबित होता है कि उसमें शिव बाबा ने भी प्रवेश नहीं किया। तो बाबा अभी जिन जिन में ढेर की ढेर सोल प्रवेश कर रही है वो पक्के पक्के रुद्रमाला के मणके हैं क्या?
रुद्रमाला बनती ही तब है जब बाप दादा सेवा अर्थ उन बच्चों में प्रवेश करे। क्या? लेकिन कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि मेरे अंदर शिव बाबा का प्रवेश है। अगर शिव बाबा प्रवेश न करे तो वो बच्चे सेवा का काम नहीं कर सकेंगे। सारी सेवा बाप दादा करते हैं, इसलिए ये बात रंग है कि कोई रुद्रमाला के मणके में शिव बाबा प्रवेश करे ही नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि सात्विक स्टेज में बाप दादा अपना कार्य करते हैं और जब तामसी स्टेज होती है तो और भूत प्रेत सोल आत्माएं प्रवेश करके अपना अपना पार्ट बजाती है। जो आत्मा जितने जितने धर्मों में कन्वर्ट हुई होगी उसमें उतनी ही ज्यादा आत्माएं प्रवेश करके पार्ट बजाएंगी, उनका उद्धार उनके द्वारा होगा। भाव भैया, अरे भाइयों की तरफ से काय के लिए उठा उठा के लाते हो, बोल नहीं पाते। बाबा बीके में सफेद कपड़े पहनते हैं और एडवांस में रंगीन क्यों? मुसलमानों की कन्याएं माताएं बहनें पूरे कपड़े पहनती हैं, इसका क्या मतलब है? हाँ, पहली बात जो बोली है, बीके में सफेद कपड़े पहनते हैं और एडवांस में रंगीन, तो ऐसी बात तो है नहीं। जिसने लिखा है वो आंखें खोल खोल के देखता भी नहीं कि एडवांस में पीबीके वाले जो हैं वो सफेद कपड़े पहने हुए हैं या नहीं है? है? वो भी सफेद कपड़े पहने हुए हैं, क्योंकि पुराने बी के तो एडवांस वाले ही है ना। और बाबा ने मुरली में बोला है कि तुम बच्चे रूहानी मिलिट्री हो, रूहानी मिलिट्री की जब ड्रिल होती है तो उनकी एक ही पोशाक होती है या अलग अलग होती है? एक ही पोशाक होती है। तो तुम्हारी भी पोशाक है सफेद वस्त्र, क्लास में जब बैठते हैं तो कौन से कपड़े पहन करके रूहानी ड्रिल में बैठना चाहिए? सफेद वस्त्रों को पहन करके बैठना चाहिए। नहीं पहनते हैं, इसका मतलब है कि बाबा की वाणियों पर ध्यान नहीं देते हैं, रूहानी मिलिट्री को ये नियमों को फॉलो नहीं करते हैं। अब जब मार्शल ला लागू होगा तो धड़ाधड़ गोली से उड़ाए जाएंगे। इसलिए क्लास के टाइम पर तो सफेद कपड़े ही पहनने हैं, एडवांस में भी, बाकी सारा दिन भले रंगीन कपड़े पहने। कोई बंधन नहीं है सफेद कपड़े पहनने का सारा दिन, ऐसा बाबा का मुरली में डायरेक्शन है। तो गीता पार्सल में आके चेंज कर ले। अरे बाबा गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले क्या
कैसे एनएस में जाएंगे? बाबा ने बोला अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे। इसका मतलब घर गृहस्थ में रहने वालों में से बहुत से ऐसे निकलेंगे जिनकी लगन शिव बाबा में बहुत लगी हुई होगी, और वो अंत में जब रिजल्ट निकलेगा तो जैसे कराची में हुआ था, जिनको 7-7 तालों के अंदर बंद रखा गया, उनको अचानक मौका मिल गया और बाबा के पास पहुंच गए, और जो छूटेले थे वो रह गए। तो ये नहीं सोचना होता है कि कैसे पहुंचेंगे। ड्रामा में नूद है, ड्रामा कल्याणकारी है, अकल्याणकारी की बात नहीं। मिनी मधुबन में रहने वाले 16 घंटा सेवा करें, जो सरेंडर हुए पड़े हैं, और घर गृहस्थ में रह करके 8 घंटे सेवा करें या याद में रहें या मनन चिंतन मंथन में रहें, टोटल मिटा के कितने घंटे? 8 घंटे। तो दोनों का बराबर हो जाएगा। लेकिन मिनी मधुबनों के अंदर घुस करके देखो, 16 घंटे सेवा करते हैं कि 6 घंटे भी नहीं करते। ज्यादा संख्या उनकी निकलेगी जो आराम से बैठे बैठे खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं और दम चक्कर मचाते हैं। हाँ, दूसरी बात, मुसलमानों की कन्याएं, माताएं, बहनें पूरे कपड़े पहनती हैं। इसका मतलब कपड़े माने क्या? शरीर माने देह अभिमान। जो मुसलमानों की कन्याएं माताएं हैं वो पूरा ही शरीर ढक लेती है, माना देह अभिमान के वस्त्रों से उनका पूरा शरीर ढक जाता है, बल्कि कपड़े भी काले पहनती है ज्यादातर। और प्रश्न आया है कि बाहर की दुनिया, हद की दुनिया में मुक्ति संग्राम हुआ भारत में, इसकी बेहद में शूटिंग कैसे होती है? ये मुक्ति संग्राम खास करके कब हुआ था? है रिजल्ट सहित कब हुआ? है अरे हद की दुनिया में कब हुआ? है अरे 1947 में, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो विदेशियों से भारतवासियों की मुक्ति हो गई। उससे पहले मुक्ति संग्राम हुआ कि नहीं हुआ? और जो आज में हुआ तो अंत में भी होगा। जो भी बांधे लिए हैं या बांधे ले हैं वो सब मुक्त हो जाएंगे। मुरली में बोला है बाप तो निराकार है, फिर वो पतित पावन कैसे ठहरा? है जादू लगाते हैं क्या?
पतितों को पावन बनाने के लिए जरूर यहाँ आना पड़े। इसका मतलब क्या हुआ है? वो तथाकथित ब्राह्मण क्या अर्थ लगावेंगे हैं? कि हाँ भगवान आता है निराकार, निराकार आता है ब्रह्मा के तन में आता है, और ब्रह्मा के तन में आकर के हमको पावन बनाकर चला जाता है। हम पावन हैं और बाकी सारी दुनिया पतित है। हमको बाबा स्वर्ग की बादशाही दे गए, हम स्वर्ग में हैं, बाकी सब नरक में। तो अर्थ ये लगाएंगे। वास्तव में सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि बाप पतित से पतित तन में आता है, और जिस पतित से पतित तन में आता है उसको पहले से पहले पावन बनाता है। इसलिए नाम उसका क्या है? पतित पावन। जादू लगाने की बात नहीं है, ये ज्ञान का जादू है। जिसमें जास्ती ज्ञान होता है वो ऊंचे बनता है, ज्ञान कम तो ऊंचाई भी पद भी कम हो जाता है। पावन बनाने के लिए जरूर यहाँ आना पड़े। यहाँ आना पड़े माने ऐसे नहीं कि ब्रह्मा के तन में यहाँ आए तो पावन बनाई दिया, नहीं। ब्रह्मा के तन में आकर पावन नहीं बनाते हैं, न ब्रह्मा पावन बने। प्रूफ क्या है ब्रह्मा पावन बने या नहीं है? प्रूफ है, ब्रह्मा अगर पावन बने होते तो पावन की पूजा होनी चाहिए लेकिन पूजा नहीं होती। मंदिर बनने चाहिए लेकिन मंदिर नहीं बनते। मूर्तियां बननी चाहिए लेकिन मूर्तियां नहीं बनती। इसका मतलब है कि शिव बाप ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बावजूद भी बाद में कोई और पतित से पतित तन में आते हैं, और आकर के सारी दुनिया में जो भी पतित हैं उन पतितों को पावन बनाते हैं। प्रश्न आया है, विष्णु चतुर्भुज में जो ऊपर की लेफ्ट भुजा है उसमें शंख दिखाया है, वो वैष्णवी शक्ति की यादगार है क्या? शंख बजाना, शंखनाद करना। शंखनाद करना माने महाभारत में जब लड़ाई होती है तो क्या करते हैं? शंखनाद करते हैं। लड़ाई शुरू हो गई, सत्य और असत्य की लड़ाई शुरू हो गई। तो स्पष्ट है कि जब वैष्णवी शक्ति निकलती है तो ब्राह्मणों की दुनिया में शंखनाद हो जाता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। तो लेफ्ट भुजा में क्यों दिखाया गया है? वो
आत्मा तो 84 जन्म एक के साथ ही संबंध संपर्क जोड़ती है, तो उसे लेफ्टिस्ट के रूप में क्यों दिखाया गया? राइट भुजा के रूप में दिखाना चाहिए। अपने भारत की परंपरा में कन्या को बाप अपने राइट हैंड की तरफ बिठाता है कि लेफ्ट हैंड की तरफ बिठाता है? राइट हैंड की तरफ बिठाता है। और वो ही कन्या जब शादी हो जाती है तो लेफ्ट हैंड की तरफ बिठाई जाती है। यही कारण है कि लक्ष्मी को और जगदम्बा को किस तरफ दिखाया गया? लेफ्टिस्ट रूप में दिखाया गया है। ये दोनों ही असुर संगारिणी है। क्या लक्ष्मी असुरों का संगार नहीं करती है? तुमने शास्त्रों को देखा ही नहीं या टीवी में देखा ही नहीं? लक्ष्मी और जगदम्बा दोनों जब मिलती हैं संस्कारों से तब ही विजय होती है। अगर दोनों के स्वभाव संस्कार का मेल नहीं होगा तो असुरों पर विजय नहीं हो सकती। इसलिए महालक्ष्मी की यादगार है। हाँ, दो दो बातें करेगी, अभी एक बात करेगी, जस्ट थोड़ी देर बाद बिल्कुल उसके उल्टी बात करेगी। ये पहचान है सोल की प्रवेशता की, जो अव्यक्त वाणी में भी बताई हुई है। जो आखिरी आत्मा उतरती है, हाँ, वो समय कब है? 36 ही है और कौन सा कुछ नहीं, जैसे कीड़े मकोड़े होते हैं या रात में पतंगे पैदा होते हैं, सवेरे के टाइम पर ढेर सारे पतंगे पैदा हुए तुरंत मर गए। वो तो मनुष्यों की गिनती में भी नहीं गिने। बाबा ने कहा मनुष्यों की संख्या है 500-550 करोड़, बाकी फिर बोला 750 करोड़ भी होते हैं, तो जो 200 करोड़ हैं वो किस कोटि के हो गए? कीड़े मकोड़े हो गए, वो अकल चलाने वाले नहीं है। माउंट आबू में जब गुलजार दादी सामने बैठती है तो ब्रह्मा बाबा का आवाहन कैसे करते है? करते हैं ना आवाहन? तो ऐसे ही कोई का भी आवाहन करना होता है तो उसकी याद आती है, आवाहन किया जाता है। हाँ जी, प्रश्न आया है। शिवाजी औरंगजेब की जेल से
कड़ा बंदोबस्त होने के बावजूद भी कैसे निकले है? अरे फलों की टोकरी में बैठ गए और निकल गए। बाबा पांडवों का जो 12 वर्ष का वनवास है और 13वां अज्ञात वर्ष है, तो उस अज्ञात वर्ष में अर्जुन हिजड़ा बनता है, तो अभी हिजड़े की शूटिंग क्या चल रही है? अरे कब से गिनती करना शुरू किया तो उन्हें पता ही नहीं है। वो 12, 13 या 14 साल जो शास्त्रों में गाए हुए हैं उसकी शुरुआत कब से होती है? है? कब से शुरुआत होती है? अरे ब्राह्मणों की दुनिया में कोई पांडव है जिसको 3 पैर पृथ्वी नहीं मिल रही है? तो जो पांडव है उस पांडव को देश निकाला कब से मिला है? 98। तो 99 से लेकर के 12 वर्ष जोड़ दिए तो कौन सा सन आया है? 2010 के बाद 11 आया। 12 वर्ष के बाद 2011 में वो अज्ञातवास शुरू होता है, लेकिन रामायण में 14 साल बताया, 13 साल बताया या 14 साल? 14 साल बताया। चलो फर्क हो गया हो, मनुष्यों की स्मृति है, अलग अलग बातें हो सकती हैं। न 12-13 साल मानो न 14 साल मानो, 13.5 मान लो। तो 13.5 अगर जोड़ दें तो कौन सा सन आता है? 2012 के बाद 14 साल पूरे हो जाते हैं। तो अभी जो शूटिंग है वो ब्रह्मनला की शूटिंग अभी कही जाएगी या 2-3 वर्ष के बाद कही जाएगी? है 12 के बाद या 11 के बाद ही कही जाएगी? अभी तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बाबा हिरण्याक्ष जब सारी पृथ्वी को पापाल में लेकर जाता है और काशी नगरी छिटक जाती है, वो शूटिंग पीरियड में कौन सा सन है, कौन सा साल है? पहली बात है हिरण्याक्ष, इसका मतलब क्या हुआ? जिसकी सोने की आंखें है। आंखें कैसी है? सोने की। दुनिया में कौन सा ऐसा मेटल है जो सारी दुनिया वालों को बहुत आकर्षित करता है? है? सोना। और इंद्रियों में ऐसी कौन सी इंद्रिय है जो सबसे ज्यादा धोखा देती है? आंखें। और ये आंखों का चक्कर जो है संग का रंग लेने देने का, ये बीके से चला चला आया है फाउंडेशन में। बीके से कुछ न कुछ पीबी केस में भी आया होगा या नहीं आया होगा? तो जो पीबी केस में ब्राह्मणों की दुनिया तैयार हो रही है, उस ब्राह्मणों की दुनिया में एक संगठन तो ऐसा तैयार होता है जिसको बाप दादा बोलते हैं कि तुम बच्चों को बाप दादा ने नई दुनिया की
सौगात दी है। तो जिस वर्ष में बोला होगा उस वर्ष में प्रैक्टिकल में हुआ भी होगा, उस वर्ष में वो प्रैक्टिकल कार्य संपन्न होता है माने वो संगठन तैयार होता है और काशी नगरी ही उसकी निमित्त बनती है। तो काशी नगरी गड्ढे में जाने से बच जाती है और बाकी जो नगरियां हैं, चाहे वो दिल्ली नगरी हो या बंबई नगरी हो, हैदराबाद नगरी हो या कोई भी नगरी हो, वो गड्ढे को याद भी करती है और गड्ढे में जाती भी है। ऐसे हो नहीं सकता कि वो गड्ढे को याद न करें और गड्ढे में जाए नहीं। और शिव बाबा आता है किसमें आता है? है जिसमें आता है उसका नाम पड़ता है शिवलिंग। और लिंग कहाँ रखा जाता है? है गड्ढे में। तो हिरण्याक्ष जो है सारी पृथ्वी को जब गड्ढे में ले जा रहा था तो उस समय काशी नगरी छिटक जाती है, योग बल का संगठन मजबूत बना लेती है। और जो बुद्धि रूपी धरणी है वो बेहद की बुद्धि रूपी धरणी गड्ढे में जाने से बच जाती है। और रतन कितने प्रकार के हैं? हैं? नौ प्रकार के रतन हैं। उनमें मोती का भी स्थान है या नहीं है? है? मोती का भी स्थान है, है? मणि नहीं, मोती का गायन है कि जब पानी बरसना शुरू होता है स्वाति नक्षत्र में तो बादल की जो पहली बूंद गिरती है, पहली बूंदें गिरती हैं और उन बूंदों को वो समंदर का कीड़ा अपने मुंह में ले लेता है, वो मोती बन जाती है। माने ये लास्ट रतन है या फर्स्ट रतन है? है रतनों में ये कम कीमत वाला है या ज्यादा कीमत वाला है? कम से कम कीमत वाला है। वो कम से कम कीमत वाला कौन सा धर्म है? आर्य समाज है। कीड़े मकोड़ों के मुंह में पड़ती है वो बूंद, पहले पहले, और वो मोती बन जाती है। क्या क्या लिखते हैं सब तरह की बातों के प्रश्नों के जवाब सभा में नहीं लिए जाते हैं। और कन्वर्ट कब होते हैं? शूटिंग पीरियड कब है? हाँ
तो कन्वर्ट होने का भी हिसाब उसी समय का होता है। है 36 को कहेंगे कि ज्ञान में आए, आत्मा का ज्ञान हुआ। मैं आत्मा कौन, सूर्यवंशी हूँ या चंद्रवंशी हूँ या इस्लाम वंशी या बौद्ध वंशी, कुछ पता चलता है नहीं? और मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान सोमनाथ मंदिर में 17 बार आक्रमण हुआ, हाँ आक्रमण हुआ, हाँ सोमनाथ मंदिर की स्थापना कब है फाइनल? फाइनल स्थापना कब है? क्योंकि द्वापर के आदि में स्थापना, जब बीके का ब्राह्मणों का संगठन था तो मम्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ा उस समय ही ब्रह्मा बाबा के सारे पैसे से एक मंदिर की स्थापना हुई। सागर के कंठे पर उस समय सागर ज्ञान सागर कहेंगे माउंट आबू, और माउंट आबू के किनारे का सेवा केंद्र कौन सा था? अहमदाबाद। तो द्वापर के आदि में अहमदाबाद में सोमनाथ मंदिर की शूटिंग हुई, स्थापना की, राजा विक्रमादित्य उर्फ ब्रह्मा के पैसे से। और वो ही मंदिर कलयुग की शुरुआत में, कब होता है कलयुग की शुरुआत? 72-73 में, जब मेले मलाखड़े शुरू होते हैं। कौन से युग में मेले मलाखड़े शुरू होते हैं? कलयुग में। उस समय वो मंदिर लूटा जाता है, और एक बार में नहीं बार बार लूटा जाता है। जितनी बार लूटा जाता है नेस्त नाबूद किया जाता है। आखिरी अस्तित्व वहां से खत्म हो जाता है। अभी 200 साल पहले जो हद का सोमनाथ मंदिर है वो नया बना दिया अलग। ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में आखिरीन क्या करते हैं, उस स्थान से नेस्त नाबूद करके दूसरे स्थान पर पालड़ी में ही सोमनाथ मंदिर बना देते हैं, ताकि कोई ये न कहे कि सोमनाथ मंदिर मुसलमानों के द्वारा लूटा गया। सब डटे बैठे हैं। बाबा जिन आत्माओं को हिरण्याक्ष पाताल में ले जाता है वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं क्या? अगर व्यभिचारिणी बनती है सरेंडर होने के बाद तो दूसरे धर्म की साबित होंगी या देवी देवता सनातन धर्म की साबित होंगी? हैं? दूसरे धर्म की साबित हो जाएंगी।
क्या वो एनएस में नहीं जा सकती है? अरे गड्ढे में जा रही है, बुद्धि गड्ढे में जा रही है, तो पाताल में जाएंगी या काशी नगरी में जाएंगी? याद दिलाया जा रहा है, 2 घंटे हो गए वार्तालाप के।